नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं पूनम कुमारी कुंभकार, पश्चिम बंगाल बर्दवान से हूँ। मैं CFM राइटर एसोसिएशन के पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस संस्था के संस्थापक आदरणीय जहांगीर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसा सुअवसर प्रदान किया जिससे मैं आप सबके समक्ष अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हो पाए हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी स्वरचित कविता लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। भारत को स्वतंत्र करने में बहुत से महान सूरवीरों का हाथ है। उन्होंने खुद को कुर्बान किया, अपने बलिदानों के सहायता से हमें आज़ादी दिलाई, जिसे मैं अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है भारत का शान तिरंगा, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। भारत का आन बान शान है तिरंगा, भारत का आन बान शान है तिरंगा, अपनी धरती का स्वाभिमान है तिरंगा, भारत माँ का अभिमान है तिरंगा, ऊंचा सदा रहे हमारा तिरंगा, हमारे दिल का यही अरमान है। भारत के महान वीर सपूत को नमन, भारत के महान वीर सपूत को नमन, करते रहे जो मुकाबला उन अत्याचारों का डटकर, न झुकने दिया तिरंगे की ताज, न झुकने दिया तिरंगे की ताज, कसम जो खाई थी वीरों ने मिलकर आज। नमन है उन वीर जवानों को, नमन है उन वीर जवानों को जिसने बचाई थी तिरंगे की लाज। मुक्त हुआ भारत अंग्रेजों के सिकंजों से, मुक्त हुआ भारत अंग्रेजों के सिकंजों से, भारत माँ के वीरों ने मिलकर हमें आज़ाद किया गुलामी की बेड़ियों से। सशस्त्र नमन है उन सूरवीरों को, सशस्त्र नमन है उन सूरवीरों को, अमर रहेंगे वे वीर जवान जिसने कुर्बान किया देश के लिए अपनी जान। ममता का आंचल बिखर कर टूटा, ममता का आंचल बिखर कर टूटा, भाई बहन का प्यार का हाथ जो छूटा, पत्नी का 16 सिंगार मांग का सिंदूर था मिटा, बच्चों के सिर से पिता का साया जो हटा, उन सपूतों के साथ साथ माँ बहन ने दी थी कुर्बानियाँ, नमन है ऐसे वीरों को जिसने दी अपनी जान की आहुतियाँ। आस लगाए बैठे थे घर वाले, आस लगाए बैठे थे घर वाले, आएंगे लौटकर वे एक दिन, लेकिन मंजूर न था उनका लौटना, लेकिन मंजूर न था उनका लौटना, अंत तक लड़ते रहे सरहद पर, आज़ादी लिए वे अपने हाथ, आज़ादी लिए वे अपने हाथ, वीर जवान हुए वीर गति को प्राप्त। अमर रहेंगे भारत के, भारत देश के वीर जवान, अमर रहेंगे भारत देश के वीर जवान, देश के लिए बलिदान किया अपनी जान, ऐसे वीरों को सशस्त्र नमन है, सशस्त्र नमन, जो डटे रहे मातृभूमि पर डटकर। भारत का एक ही नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को एवं आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रूबी आचार्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से हूँ। सर्वप्रथम मैं CPM राइटर्स एसोसिएशन एवं उनके अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके माध्यम से आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे ऑनलाइन कविता पाठ करने का ये मौका मिला है। इसके पश्चात मैं उन सभी देश वीरों को बारंबार नमन करती हूँ जिनके सहयोग से, जिनके लगन, जिनके कठिन प्रयास, कठिन तपस्या और देश के प्रति समर्पण से आज हम इस स्वतंत्र भारत में खुलकर सांस ले रहे हैं। इसके बाद मैं उन सभी सेवकों, देश रक्षकों, स्वास्थ्य सेवकों, सुरक्षा कर्मी को भी बारंबार नमन करती हूँ जिनके सहयोग से आज हम इस कोरोना महामारी के काल में अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी एक छोटी सी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है वीरों को नमन। हे देश के वीर, तुम्हें सत्सत बार नमन, हे देश के वीर, तुम्हें सत्सत बार नमन, अपने ही लहू से तुमने सींचा ये चमन, हे देश के वीर,
तुम्हें सत सत बार नमन। देश के आजादी के नाम तुमने गवाए अपने प्राण, देश के आजादी के नाम तुमने गवाए अपने प्राण, अपने जज्बे से तुमने बढ़ाया देश का मान। मैं कैसे कहूँ मुझे अपने वीरों पर है घमंड, मैं कैसे कहूँ मुझे अपने वीरों पर है घमंड, हे देश के वीर तुम्हें सत सत बार नमन। इस महामारी ने लोगों को छुपाया सीमा पर देश के आतंक को बढ़ाया, आज इस महामारी ने लोगों को छुपाया सीमा पर देश के आतंक को बढ़ाया, यह देख हमारे वीर रुक ना पाए वह अपने घरों में छुप ना पाए, यह देख हमारे वीर रुक ना पाए वह अपने घरों में छुप ना पाए। रण के मैदान में विपत्तियों को गले लगाया, रण के मैदान में विपत्तियों को गले लगाया, जब वीरों ने अपने कान्हे पर बंदूक सजाया, देश हित के खातिर वीरों ने ओढ़ लिया तिरंगा कफन, हे देश के वीर तुम्हें सत सत बार नमन। दुष्प्रभाव से आज जब इस महामारी ने लोगों को डराया, दुष्प्रभाव से आज जब इस महामारी ने लोगों को डराया, सेवा भाव से हमारे स्वास्थ्य सेवकों ने अपना कर्तव्य निभाया, सेवा भाव से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना धर्म निभाया। मानव हित के नाम स्वास्थ्य सेवकों ने भी ओढ़ लिया सादगी का कफन, हे देश के वीर तुम्हें सत सत बार नमन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जैस्मिन विश्वकर्मा CFM राइटर्स एसोसिएशन की ओर से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं एक गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमारे बहादुर सैनिकों को प्रणाम, जो कुछ इस प्रकार है। कोशिश करके देख ले दुनिया सारी, जहान सारे देशभक्ति नहीं झुकती, झुकते हैं दुश्मन हमारे। जिसमें जवान होकर बलिदान वो हुए, उस शहर उस गली उस घर को प्रणाम। हंस कर लटक गए जो फांसी की डोर से, उस गुरु उस भगत उस शिखर को प्रणाम। ऐ माँ तेरी हर देश भक्त को प्रणाम, प्रणाम भारत माँ तेरी वीर सपूत को प्रणाम। अपने वतन के खातिर मरने वाले वीर को, जिसने जन्म दिया है उन माँ को प्रणाम।
आंखें की डोर से जो भाई को बांध कर भेज दी रणभूमि में उन बहनों को प्रणाम। जाकर निडरता से दुश्मन की मांद में प्रतिकार लेने वाले योद्धाओं को प्रणाम। बचपन में जिसने खोया सिर से पिता का छत्र उन मासूम और प्यारे बालकों को प्रणाम। सरहद के दुश्मनों ने कोशिश हजार की फिर भी नहीं झुकी जो उस सर को प्रणाम। रे माँ तेरी वीर सपूत को प्रणाम। अपने वतन के धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूपा सुब्बा सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल की निवासी। CFM राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी कविता का पाठ करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है सलाम। यह कविता देश के जवानों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। देश के जवान देश की सीमा पर शत्रुओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कोरोना वॉरियर्स आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार है और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनको समर्पित करते हुए मैं यह कविता का पाठ करने जा रही हूँ। सलाम। सलाम है देश के रखवालों को, सलाम है देश के पहरेदारों को, देश की सेवा के लिए जिन्होंने, देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, अपना सर्वस्व न्योछावर किया, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव में दिया, अपने प्राणों को सौंप दिया, हमें रात को आराम दिलाया, अपनी रातों का चैन गवाया, हमेशा कठिनाई से हमें बचाया, हमारे लिए खुद को जलाया, परिवार से पहले देश को बचाया, स्वार्थ को त्याग निस्वार्थता को जगाया। सलाम है देश के रखवालों को, सलाम है देश के पहरेदारों को। धन्यवाद। यह कविता आज जवानों के लिए और उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हमारी रक्षा के लिए वे लड़ रहे हैं और इस जंग में खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मैं कमला सिंह खुरीवाड़ी पश्चिम बंगाल की निवासी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरे द्वारा रचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कसम हिंदुस्तान की। कसम हिंदुस्तान की मुझको, कसम हिंदुस्तान की मुझको, तिरंगा नहीं झुकने देंगे देश की मिट्टी का रज रज, देश की मिट्टी का रज रज निज मस्तक पर सजा लेंगे। देश रक्षा हित मरना पड़े तो, देश रक्षा हित मरना पड़े तो हंसते हंसते मर जाएंगे, पर भारत माँ का आंचल, पर भारत माँ का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे। देश की मिट्टी देश की बोली, देश की मिट्टी देश की बोली मुझे प्राणों से भी प्यारा है। देश की भाषा सभ्यता संस्कृति सारे जग से न्यारा है। महान है वह धरा जहाँ, महान है वह धरा जहाँ गांधी सुभाष ने जन्म लिया। ऐसी पावन धरती पर, ऐसी पावन धरती पर लहू का कतरा कतरा अर्पित कर जाएंगे। यहाँ का कोना कोना, यहाँ का कोना कोना स्वर्णिम इतिहास बताता है। बुद्ध ईसा कृष्ण जहाँ प्रेम का राग सुनाते हैं। नहीं है ऐसा देवभूमि,
नहीं है ऐसा देवभूमि जहाँ अविरल गंगा बहती है, ऐसे पावन देवभूमि को हम फिर से नहीं बटने देंगे। ईद दिवाली होली जहाँ हम साथ साथ मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ भाई भाई सा रहते हैं, महान है वह पुण्य धरा जहाँ सभ्यता संस्कृति पलती है। इस अमूल्य भारत भूमि को हम कभी नहीं मिटने देंगे। मिली है हमको जो आजादी उसकी शाम नहीं होने देंगे। सर पे तिरंगा जो लहराता है उसकी शान बढ़ाएंगे। मेरे सपनों का भारत सदा खुशियों से झिलमिलाएगा। नील गगन में सदा तिरंगा ऊंचा ही लहराएगा। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मीनू कुमारी CFM राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए तथा अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान की वंदना करते हुए आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है हमारा हिंदुस्तान। दुनिया में कहीं स्वर्ग है जहाँ, वो है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ से खुशबू आती है सौहार्द अपनापन एकता की, मनमोहकता वैभवता सौंदर्यता जहाँ की प्रकृति में है बसता, वो है हमारा हिंदुस्तान, जो धरा है राम की, रहीम की, गुरुओं की, मसीह की, मन सबका जहाँ रमता, वो है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ झलकती हरियाली खेतों की, प्रेम की, संस्कृति की, मानवता की जहाँ है महत्ता, वो है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ है पूजे जाते अतिथि, जहाँ है अनेकता में एकता, शब्दों में बखानी नहीं जा सकती जिसकी महत्ता, पवित्रता, प्रभुता, वो है हमारा हिंदुस्तान। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी पूर्व वर्धमान से आप सभी देशवासियों को CFM राइटर एसोसिएशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं CFM राइटर एसोसिएशन को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है हम भारतवासी हैं। उस देश के हम वासी हैं, जहाँ कहते हैं हम भारतवासी हैं, जहाँ का बच्चा बच्चा भी जय हिंद का नारा लगाते हैं, मातृभूमि के सम्मान में सूर्य पर भी चल जाते हैं, उस पावन भूमि के हम निवासी हैं, जहाँ कहते हैं हम भारतवासी हैं। तीन रंग का अपना यह तिरंगा, कहते हैं जहाँ है यह हमारा राष्ट्रीय झंडा, शक्ति साहस सत्य शांति उर्वरता की जो देता है शिक्षा, लहराया जाता है जहाँ संपूर्ण राष्ट्र के गौरवता का यह तिरंगा। उस देश के हम भाषावासी हैं, जहाँ कहते हैं हम भारतवासी हैं, स्वतंत्र कराने को जिन्होंने हाथों में तलवार उठाई थी, है वे महान स्वतंत्रता संग्रामी, जिन्होंने दुश्मनों को ही धूल चटाई थी, देकर कुर्बानी अपने प्राणों की भारत को आज़ादी दिलाई थी। उस बलिदानी भूमि के हम वासी हैं, जहाँ कहते हैं हम भारतवासी हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूजा कुमारी साव वर्धमान से हूँ। मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ। ये कविता उन वीरों के नाम है जो
हम लोग के लिए सरहद पे तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। सालों साल से चलती आई ये उन वीरों की कहानी है, सालों साल से चलती आई ये उन वीरों की कहानी है, बार बार सौ बार दोहराई गई ये उन वीरों की कुर्बानी है, बार बार सौ बार दोहराई गई ये उन वीरों की कुर्बानी है। अमर हुए हैं मातृभूमि में यह भूमि उन वीरता की निशानी है, अमर हुए हैं मातृभूमि में यह भूमि उन वीरता की निशानी है, अंबर गगन भी सिर झुकाए जो गवाए यहाँ अपनी जवानी है, अंबर गगन भी सिर झुकाए जो गवाए यहाँ अपनी जवानी है। स्वतंत्र हुए सदियों बीता, स्वतंत्र हुए सदियों बीता पर आज भी खेली जा रही खूनों की होली है, सर कभी ना झुकने दिया डटे भारत माँ के सिपाही है, सर कभी ना झुकने दिया डटे भारत माँ के सिपाही है। शहीद होकर भी खड़े होते, शहीद होकर भी खड़े होते डटे हर घर का सेनानी है, शहीद होकर भी खड़े होते हर घर का एक सेनानी है। सशस्त्र नमन उन वीरों को, सशस्त्र नमन उन वीरों को जिन्होंने जान गंवाई है, सशस्त्र नमन उन वीरों को जिन्होंने जान गंवाई है। धन्यवाद।